बड़ी खबर के साथ, जहां इंदौर में भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के बयान पर सियासत शुरू हो गई है। देश को चीन से ज्यादा नुकसान जीएसटी और नोटबंदी ने किया, राहुल गांधी ने कहा। और राहुल के इस बयान पर प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने पलटवार किया है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राहुल गांधी बताएं चाइना से इतना प्रेम क्यों है, जीएसटी नोटबंदी की तुलना चाइना की सेना से करते हैं, चाइना की सेना की तारीफ करते हैं राहुल गांधी। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा कि संसद में पास कानून का मजाक बनाते हैं। हिंदुस्तान के इतिहास में आपके खिलाफ सबसे खराब काम कौन सा था? के एक सेकंड में पहले नंबर नोटबंदी, दूसरे नंबर जीएसटी। क्योंकि लगातार राहुल गांधी की यात्रा में राहुल गांधी, कांग्रेस और उनके लोग जो कर रहे हैं उस यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते, और कल तो उन्होंने इंदौर की सभा में जो कहा कि चीन की सेना से ज्यादा खतरा जीएसटी और नोटबंदी कानून को है। संसद के अंदर उनकी आदत रही है कानून का मखौल उड़ाना। उन्हीं की सरकार में, उन्हीं के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के समय में बिल को संसद के अंदर फाड़ करके फेंक देना, अब वो सामान्य है असामान्य है? राहुल गांधी जी आज खजराना गणेश मंदिर जाने वाले थे, बड़ा गणपति जाने वाले थे, बड़ा गणपति दर्शन करके यात्रा प्रारंभ होने वाली थी, लेकिन छदम हिंदुत्व सामने आ गया और बाहर आ गया। वो गाड़ी से उतरे नहीं और सीधे चले गए। जो भारत जोड़ो नहीं, बहुत साफ तौर पर अब तो स्पष्ट हो गया है कि एकदम भारत तोड़ो यात्रा ही उसको कहा जा सकता है। क्योंकि लगातार राहुल गांधी की यात्रा में राहुल गांधी, कांग्रेस और उनके लोग जो कर रहे हैं उस यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते, और कल तो उन्होंने इंदौर की सभा में जो कहा कि चीन की सेना से ज्यादा खतरा जीएसटी और नोटबंदी कानून को है। दुर्भाग्य है कि आप एक दिन पहले बाबा साहब अंबेडकर के जन्मभूमि पर जाकर और वहां से लौट करके आप आते हैं, और भारत के कानून जो संसद में कानून बनता है उस कानून का मखौल उड़ाते हैं। मैं तो पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी, आपका चीन से इतना प्रेम क्यों है? और ये मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी जी और कांग्रेस का चीन से अपना बड़ा पुराना नाता है और उनकी बड़ी पुरानी दोस्ती रही है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी जब वाणिज्य कर मंत्री थे तब उन्होंने राजीव गांधी फाउंडेशन को लाभ दिलाने के लिए चीन को मदद जो की थी, जो हम सब लोगों ने और पूरे देश ने इस बात को देखा है। देश का सबसे बड़ा नुकसान इन दो पॉलिसियों ने किया है, नोटबंदी और जीएसटी ने। जो मैं आपको बता रहा हूं, जो काम चाइना की सेना नहीं कर सकती, नोटबंदी ने और जीएसटी ने कर दिया। और इसी खबर पर हम और ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी लाइव जुड़ गए हैं। मनोज जी, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जारी है और ऐसे में उन्होंने एक बयान दिया कि जीएसटी और नोटबंदी का जितना नुकसान देश को पहुंचाया उतना नुकसान चीन की सेना भी नहीं पहुंचा सकती। अब इस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने भी पलटवार किया है बयान देकर। देखिए, जीएसटी को लेकर राहुल गांधी हमेशा सवाल उठाते रहे, बल्कि का नाम उन्होंने गब्बर सिंह भी रख दिया था। उन्होंने कहा था ये गब्बर सिंह टैक्स है, लेकिन गब्बर सिंह तक कहना तो ठीक है, पर अब चाइना की सेना की तुलना उस टैक्स से करना तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी को मौका मिला है और बीजेपी ने फिर पलटवार भी किया। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, कभी पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे लग जाते हैं जैसा बीजेपी का कहना है, कभी आप पाकिस्तान की बात करने लगते हैं, कभी चाइना की बात करने लगते हैं। और चाइना से इतना प्रेम क्यों? क्योंकि चाइना का नाम बार बार भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को लेकर सवाल उठाते रही है कि वो चाइना से इतना प्रेम क्यों करते हैं। पर ऐसे दौर में उन्होंने बयान दिया है जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है
पर ऐसे बयानों के मायने बहुत सारे निकाले जा सकते हैं। हालांकि उनका आशय क्या रहा होगा ये समझा जा सकता है, पर आशय के बीच में कई बार ऐसे बयान बड़े मुश्किल में डाल देते हैं और इसीलिए आप देखिए हाथों हाथ भारतीय जनता पार्टी ने इसको लपक लिया है। प्रदेश अध्यक्ष डी शर्मा ने पूछा है कि आपका चाइना प्रेम उजागर करता है कि आपकी मानसिकता क्या है, और ये भी आपको जानता है कि आपने किस तरह से संसद में मनमोहन सिंह के समय बिल फाड़ कर फेंक दिया था। तो क्या संसद का आपने अपमान किया, मखौल उड़ाया है, क्योंकि जीएसटी का बिल तो संसद में पास हुआ है और उसी समय यानी जब ये बयान दिया उससे थोड़ी देर पहले ही वो बहुमेह थे जो संविधान निर्माता अम्बेडकर के वहां पर पहुंचे थे, माल्यार्पण किया था, तो उससे जोड़कर अब बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया। और निश्चित रूप से जब इस तरह के बयान आते हैं तो बीजेपी को बोलने का मौका मिल जाता। बिल्कुल मनोज जी, क्योंकि इस तरह का बयान है और बीजेपी भी अब बयान देने से पीछे नहीं हट रही है और यही कारण है कि प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने खुद इस पर बयान देकर पलटवार किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो राहुल गांधी के बयान पर अब सियासत शुरू हो गई है। राहुल गांधी ने कहा कि देश को चीन से ज्यादा नुकसान जीएसटी और नोटबंदी ने किया है और इसी पर प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने पलटवार किया और कहा कि राहुल गांधी बताएं कि चाइना से इतना प्रेम क्यों है।